ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड, हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन को लेकर आज मोराबादी मैदान में रिहर्सल किया गया। इस मौके पर रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और उपायुक्त छवि रंजन ने लिया सलामी। चैप की बैंड पर पुलिस के जवान कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। विभिन्न टुकड़ियों के जवान गर्व से सीना ऊंचा कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते नजर आए। जी सही सुना आपने, 15 अगस्त के दिन कोई भी चूक न हो इसको लेकर उपायुक्त और एसएसपी ने अपने मताहत अधिकारियों और जवानों को नसीहत भी दी। वहीं 15 अगस्त के दिन ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक न हो उसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी चितवाहन उड़ाव और कपिंदर उड़ाव अपने मताहत अधिकारियों को एवं जवानों को दिशा निर्देश देते नजर आए। बता दें, 15 अगस्त के दिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस के जवानों और अधिकारियों को उनके विशिष्ट सेवा और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज रिहर्सल के मौके पर रांची के उपायुक्त और एसएसपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं इस विजुअल को। आपको बताते चलें, लाइव न्यूज के लिए हमारे फेसबुक पेज एसएमपी झारखंड के नाम से है, उसे फॉलो और लाइक जरूर कर लें। इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पे तस्वीरों को देख पा रहे हैं, ये वो अधिकारी और जवान हैं जिन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कुल अधिकारियों एवं जवानों की संख्या मिलाकर 33 है जिन्हें 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। Thank you.
हमारे बीच हो चुका है। नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार, सुप्रभात। जश्नी जनरल सल्यूट सलामे शस्त्र। राष्ट्रीय आजादी की इस बेहद बेहद ऊर्जावान सुबह समूचा राष्ट्र और राष्ट्र का हर नागरिक मत मस्तक है सैकड़ों बलिदानियों के प्रति कुछ ही कहने। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रण, परेड निरीक्षण हेतु आजादी को कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों के कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे। और आज मानपूर्ण वातावरण में पुरुष हो रहा है कि उठो जागो न्याय हुआ है। इस वतन को, इस वतन की आजादी को, इस वतन की आन बान और शान को साझो कर रखना है, यह संकल्प कहलाना है। वाहन के साथ ये पहली टुकड़ी सीआरपीएफ की तीसरी टुकड़ी का निरीक्षण एसएसबी जिसके प्रांतीय कमांडर थे पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार प्लाटून कमांडर ने पुलिस अवर निरीक्षक त्रिलोचन तामसो निरीक्षण वाहन चैपन की टुकड़ी के सामने से गुजरता हुआ नेतृत्व करें जिसके प्लाटून कमांडर अक्टूबर 2018 में हम अपने दिलों में और साकार करें। हम ये संकल्प लें मोराबादी।
आजादी मैदान में जो है वो फुल रिहर्सल किया गया। आज सभी जवान यहाँ पे थे, उनका इंस्पेक्शन भी किया गया और जो भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन के बाद जो भी आउटकम आया उनको बता दिया गया है। साथ ही साथ तैयारी पूरी कर ली गई है और कुछ जवानों को कुछ अवार्ड्स भी मिलने हैं, वीरता पुरस्कार मिलने हैं, उसका भी रिहर्सल किया गया है। और 15 अगस्त के लिए पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत ही लिमिटेड लोगों को आमंत्रित किया गया है, साथ ही आम जनता को भी आमंत्रित किया गया है, परंतु उनके एक सीमा निर्धारित की गई, 3000 से ज़्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसे और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो बच्चे और बूढ़े हैं वो लोग अपने घर से ही इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं झारगोप। और साथ ही साथ जब यहाँ पर आएँ तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। और मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग भी 15 अगस्त के दिन इसकी गर्मियाँ बनाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर ऑब्जर्व करें। धन्यवाद। आज रांची के भव्य ऐतिहासिक मोरहाबादी ग्राउंड में आप स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूर्व का जो एक फुल बॉडी ये जो ड्रेस रिहर्सल होता है उसका यहाँ पे किया गया है। इसमें 10 प्लाटून शामिल हैं, CRPF, CISF, SSB, जगवार, जैप, झारखंड आर्म पुलिस, DAP, होमगार्ड सभी के पार्टिसिपेंट्स हैं और जो परेड कमांडर हैं विनीत हैं। अभी इन लोगों का जो फाइनल रिहर्सल हुआ है उसमें इन लोगों का हौसला अफजा उत्साह देखने के लायक है। तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है इन लोगों की और हम उम्मीद करते हैं कि जो अपना ये राष्ट्रीय महोत्सव होने वाला है स्वतंत्रता दिवस का उसमें बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट दर्जे का एक परेड देखने को मिलेगा। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट रखा गया है। कल ही आपको ज्ञात होगा कि शहर के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, होटल्स हैं, लॉन्ज हैं, उसमें औचक निरीक्षण की जा रही है। विभिन्न जगहों पर चेकिंग स्टार्ट किया गया है, बॉर्डर को सील किया गया है और महत्वपूर्ण जगहों पर फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा। हाँ, ट्रैफिक के लेकिन विशेष गाइडलाइंस दिए गए हैं और उसके लिए भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ रोड को ब्लॉक किया गया है, कहीं पे वन वे किया गया है, तो इसका जो है डिटेल्स प्रेस मीडिया के माध्यम से आम लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हैं हम लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।